पुत्र की दीर्घायु, पति की लंबी उम्र का महापर्व छठ पर्व उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय सगरा तालाब में महिलाएं बड़े ही उत्सुक भाव के साथ पहुंची, जहां उन्होंने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। तदुपरांत सभी ने उत्साहपूर्वक व्रत का पालन किया। गौरतलब है कि इस बार प्राचीन सगरा तालाब में व्यवस्थाएं न होने से सभी इस बात का विरोध करते नजर आए कि सीएमओ की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं की गई। बहरहाल कुछ समय की स्थिति सामान्य होने पर सभी ने पर्व की बधाई एक दूसरे को दी और गले लगकर शुभकामनाएं दी। मेरा नाम श्रीमती मंजू यादव है और मैं बाबूलाल में रहती हूँ। ये छठ पूजा का एक पर्व महापर्व है। इसको कार्तिक माह शुरू होते ही छठ पूजा की तैयारी और लोगों में उत्साह उल्लास भरा रहता है और एक महीना पहले से 15 दिन पहले से मन में लगा रहता है कि आज हमारा छठ पूजा, इस दिन को हमारा छठ पूजा है। ये व्रत 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन होता है लौकी भात का, दूसरे दिन होता है खीर पूड़ी का और तीसरे दिन का यह व्रत 24 घंटे का होता है। यह व्रत करने वाली युवतियाँ बड़े उत्साह से करती हैं और ये सुहाग और पुत्र के लिए, परिवार की सुख शांति और खुशहाली के लिए व्रत किया जाता है। और यह पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेष तौर से खुशी और आशा और उल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व को हम लोग महापर्व, छठ का महापर्व व्रत कहते हैं। और ये जो व्रत करती हैं उनके घर में सुख शांति और खुशियों से भरा रहता है और आधा आस उल्लास में उन्नति होती है और करने वालों का भी सुहाग बना रहता है और घर में खुशहाली। मैं नंदलाल प्रजापति, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ आप त्यौहार मनाने हैं, कैसी क्या कुछ व्यवस्था है? ये छठ का त्यौहार है, ये सूर्य उपासना का त्यौहार है। इसमें पवित्रता के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें पवित्रता ही सब कुछ प्रमुख लक्ष्य होता है, लेकिन नगर पालिका की अव्यवस्थाएँ हैं। पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष के कहने के बाद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने तानाशाह रवैया अपनाते हुए इतवारी बाज़ार को यहीं पर लगवाया। पूर्व में भी जब रविवार को छठ पर्व पड़ता था तो इतवारी बाज़ार बुधवारी बाज़ार में लगती थी, लेकिन नए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूरी तानाशाही अपनाते हुए इतवारी बाज़ार लगाए। यहाँ पूरी भीड़ रही है, अशुद्ध होते हुए भी ये त्यौहार हम लोग मनाने को मजबूर हैं। क्या मानते हैं, किसकी गलती है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी की गलती है। पार्षदों और अध्यक्ष के बोलने के बाद भी मुख्य नगर छठ का त्यौहार हर साल की भांति इस साल भी इस घाट पे जवानों से मनाया जा रहा है। आज भी छठ के त्यौहार में शाम को डूबते हुए सूरज को आर देने यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। ये कई सालों की परिपाटी है। इस घाट पर पूरे नगर के लोग, जो पूर्वांचल के, मिथिला के, बिहार के लोग जो छठ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और आज शाम को वो डूबते सूरज को आर देते हैं और कल सुबह जब सूर्योदय होता है तो वो सूर्योदय को आर भगवान सूर्य को दिया जाता है। कैसा मनाया जाता है, प्रशासन क्या देखते हैं? देखिए, नगर पालिका प्रशासन का ये काम है कि जो व्यवस्थाएं होती हैं वो उनको हर घाट पे करनी चाहिए। वर्तमान में मैं भी नगर पालिका में इसी वार्ड का पार्षद हूँ। मजेदार बात यह है, कल मैं खुद भी शाम को नगर पालिका गया था, मैंने पता किया सीएमओ साहब वहाँ पर नहीं थे। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि पहले पार्षदों में जो चल गया वो चल गया, अब ये लत्ता लपेटी वाला काम लोग ना करें। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो शहर की कई चीज़ें, चाहे जवारा विसर्जन होता हो वो इसी तालाब में होता है, लोग छठ मनाने आते हैं तो यही स्थान है। मैं गौर कर रहा हूँ कि ना यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था है, और जहाँ तक बात है रविवार का दिन है, सब्जी मंडी लगी हुई है, जो छठ में लोग 36-36 घंटे 40-40 घंटे उपवास करके आते हैं उनको लोग निकलने का रास्ता तक नहीं है। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।